एक प्रतिनिधिमंडल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के दल में रॉयल फैमिली के सदस्य सहित शामिल 42 देशों के सभी सदस्यों ने ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी सदस्यों ने गाइड से ताजमहल के इतिहास और उसकी पच्चीकारी के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम संयोजक सुनैना अग्रवाल ने कहा कि आगरा में विदेशी पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं, लेकिन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का यहां आना वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देना है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेल भारत में हो और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। आगरा के सांसद होने के नाते मुझे ये प्रिविलेज मिला है कि ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया के डेलीगेट्स, उनके पदाधिकारी आज ताजमहल का दीदार करने के लिए आए हैं। मैंने आगरा के सांसद होने के नाते और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अतिथ देवो भव और वसुधैव कुटुंबक की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आज मैंने और हमारे लोगों ने उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया, उनको ताजमहल दिखाएंगे। मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतनी देर हमारा इंतजार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतना विदेशी पर्यटक आता है, परंतु आज इसका जो सार है वो सिर्फ ये था कि हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए बात करें। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया राजा रणधीर सिंह जी, उन्होंने ये इनिशिएट किया है, तो उनके लिए हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं।